हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में ये बता देना कि साउंड कैसा आ रहा है, ठीक है? क्योंकि थोड़ा नया साउंड सेटअप ब्लूटूथ वाला लगाया है, मुझे ठीक लग रहा है, आप लोग कमेंट बताइएगा। वरना अगर ऐसा दिक्कत होगा तो मैं पुराने वाले साउंड सेटअप से आपको पढ़ाने लगूंगा। ओके, नाउ आज के लेक्चर में जो हम बाल विकास फॉर ऑल एग्जाम, जिसके जरिए आप सीटेट से लेके बीएसएसबी टीजीटी पीजीटी किसी भी एग्जाम में जो बाल विकास का पोर्शन आता है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का, उसमें आपके अच्छे नंबर आ सके, उसके लिए जो लेक्चर सीरीज चल रही है उसमें आज के लेक्चर में हम अधिगम स्थानांतरण को पढ़ेंगे। और इसके ठीक बाद में एक लेक्चर डालूंगा जिसमें अधिगम वक्र और पठार को मैं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है? इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और कोचिंग के नोट्स भी टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम भी उत्कर्ष एजुकेशन ही है। ओके, अब बिना समय बर्बाद किए प्लीज आप पढ़िए, मैं लिखता जाऊंगा, आप भी लिखते जाइएगा, आपके नोट्स ऐसे भी बन सकते हैं, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा। गुरुदक्षिणा के नाम में बस इतना ही मांग रहा हूं मैं आपसे। चलिए मेरा समझ बात की, मैं बताता हूं अधिगम स्थानांतरण क्या होता है। देखो, किसी एक सब्जेक्ट में, किसी एक चीज में, किसी एक विधा में आप जो भी सीखते हैं उसका कोई ना कोई प्रभाव कहीं और जरूर पड़ता है। जैसे कि कुछ लोग फिलोसॉफी बहुत पढ़ रहे हैं, मान लो फिलोसॉफी की किताबें पढ़ रहे हैं, तो जब दूसरों से वो व्यवहार करेंगे तो उस व्यवहार में थोड़ी और गंभीरता आ सकती है, नहीं आ सकती है। पर उन्होंने व्यवहार में गंभीरता लाना तो नहीं पढ़ा कहीं, उन्होंने तो फिलोसॉफी पढ़ा है, परंतु उस फिलोसॉफी को पढ़ने के कारण उनके व्यवहार में परिवर्तन आ गया है जो दूसरी जगहों पर दिख रहा है। इसी को अधिगम स्थानांतरण बोला जाएगा कि कहीं कुछ पढ़ा है और उसका यूज कहीं और आप कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं वो आपके ऊपर है, उसके लिए प्रकार इतने सारे हैं, लेकिन उसको ही अधिगम स्थानांतरण बोला जाता है। एक जगह की पड़ी हुई चीज का दूसरी जगह प्रयोग होना, उसे अधिगम स्थानांतरण बोला जाता है। अधिगम मतलब लर्निंग, स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है? अब इसके प्रकार छह दिख रहे हैं, एक एक करके सबको समझेंगे। सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण, क्षैतिज स्थानांतरण, ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण और द्विपार्श्विक स्थानांतरण। अब इन छह के छहों को आप पढ़िए, समझिए और लिखिए। डाउट हो तो कमेंट में पूछिए, टेलीग्राम पे पूछिए, सब जगहों पर आपको अवेलेबल रहूंगा मैं। समय बर्बाद कभी कभी एक भी नहीं होना है, सारे काम हो चुके हैं। अभी तक जो दूसरी चीजें थी रोके हुए वो खत्म हो गई, ठीक है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे, हेडिंग डालिए सकारात्मक स्थानांतरण या सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, ठीक है? देखो, पॉजिटिव, धनात्मक ये भी बोल सकते हो, ठीक है? इसका अर्थ होता है कि जब आपने कहीं कुछ सीखा हो, ठीक है, एक जगह की सीख से अन्य जगह या तो आपको लाभ होगा या फिर सहायता मिलेगी, दो चीजें होंगी। इसे सकारात्मक स्थानांतरण बोला जाएगा। मतलब क्या है इसका? अगर आपने कक्षा 8 की गणित को पढ़ा है तो, ठीक है, उससे कक्षा 8 की विज्ञान को जो आप पढ़ेंगे उसमें लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। कक्षा 9 की गणित पढ़ेंगे तो लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है? उसमें भी हो रहा है। इसको क्षैतिज और इसको ऊर्ध्वाधर भी बोलते हैं, वो अगले हेडिंग में बताऊंगा इसके बाद। लेकिन आप ये समझिए कि अभी आपका लॉजिक ये है। जनरली इस एग्जाम्पल को लोग यूज नहीं करते हैं जब पढ़ाते हैं, वो क्या करते हैं, सीधी बात, सरल सिंपल बोलते हैं कि जो टाइपराइटर पे टाइपिंग कर लेता है वो कंप्यूटर पे भी टाइपिंग कर लेगा, मोबाइल के क्वालिटी कीपैड पे भी टाइप कर लेगा, क्योंकि उस स्किल को यहां पर ट्रांसफर कर दिया गया है जिससे मदद मिल रही है। पर यह कभी पूछा नहीं जाता।
पूछा जाएगा इस तरह से। सबसे ज्यादा इंटरव्यू में फंसते हैं लोग। कक्षा आठ की गणित से कक्षा आठ की विज्ञान में मदद मिली तो इसको क्या बोलेंगे? एक तो क्षैतिज बोल देंगे, आठ की चीज का आठ की ही चीज में लाभ हो रहा है, ठीक है, परंतु यह सकारात्मक भी है, तो इसका मतलब है कि यह क्षैतिज सकारात्मक स्थानांतरण माना जाएगा। कहीं कुछ भी सीखो उससे कहीं और मदद मिले किसी और काम में तो वो सकारात्मक स्थानांतरण होगा। ये बात ध्यान में रखना। टाइपराइटर वाला भी नोट कर लेना, टाइपराइटर की टाइपिंग से मोबाइल की टाइपिंग में सहूलियत होना, ठीक है। सकारात्मक हो गया। नकारात्मक, नेगेटिव और ऋणात्मक। अब यहां लाभ की बजाय क्या होगी? अवरोध, हानि, समस्या, सहायता, समस्या। जब एक जगह की सीख से कहीं और आपको दिक्कत आए, कहीं और आपको दिक्कत आए तो आपको उसे नकारात्मक स्थानांतरण मानना पड़ेगा। जैसे जैसे क्रिश्चियनिटी उठा लेते हैं, चलो ईसाई धर्म की अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की हो तो आपको बोला जाएगा कि पृथ्वी से सूर्य के पृथ्वी सौर मंडल के केंद्र में है। मैं और से एग्जाम्पल लूंगा जिससे सच में तुम लोगों को फायदा हो। घिसे पिटे एग्जाम्पल बहुत सरल होते हैं। अभी इसमें मैं दे दूं कि बड़ा आसान सा एग्जाम्पल कि किसी ने मान लो भूगोल अच्छे से पढ़ रखा है तो उस भूगोल के कारण वो जो अर्थशास्त्र की नीतियां बनाएगा उसमें उसको अर्थशास्त्र का यूज करने में दिक्कत आएगी, वो भूगोल के ही जरिए उसको बनाने लगेगा। तो ये एक सिंपल लॉजिक हो सकता है। एक एग्जाम्पल मैंने यहां भी लिख रखा है फालतू का, जो सब जगह लिखा होता है कि जो इंग्लिश में टाइपिंग सीखा है अगर वो उसी चीज को हिंदी में टाइपिंग करने का प्रयास करेगा तो उसको दिक्कत आने लगेगी, हिंदी में टाइपिंग उसको अलग से सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये नोट कर लेना, लेकिन ये सब आता नहीं है। इंटरव्यू सबसे ज्यादा इस आज के लेक्चर से आएगा इंटरव्यू में क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आएगा बहुविकल्पी में, ठीक है, तो वो तो तुम लोग कर लेना, अभी मैं लिखा रहा हूं उससे, लेकिन इंटरव्यू में सबसे ज्यादा आता है क्योंकि इंटरव्यू में वो लोग 50 चीजें पूछने लगते हैं। अब बताओ पृथ्वी सौर मंडल के केंद्र में है, ईसाई धर्म में यह कहा गया है, अब अगर पृथ्वी सौर मंडल के केंद्र में है और तुमने यह पढ़ रखा है तो किसी उपग्रह को कहीं स्थापित करने में तुम्हें दिक्कत आएगी या नहीं आएगी? यह पृथ्वी है और इसके चारों ओर सूरज, शुक्र, मंगल ये सब घूम रहे हैं, तो अब अगर तुम्हें मंगल ग्रह तक पहुंचना है, मंगल ग्रह पर अपना मंगल यान भेजना है, तो तुमको दूसरे लॉजिक का यूज करना पड़ेगा, पर वो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी सौरमंडल के केंद्र में नहीं है। तो विज्ञान को अप्लाई करने में ये वाली जो नॉलेज है जो धर्म से मिली वो दिक्कत दे रही है, तो इसको नकारात्मक बोलेंगे कि मैंने जो सीखा है उसके चक्कर में जो मैं करने जा रहा हूं मुझे दिक्कत आ रही है, वो काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब जैसे मैं तुम्हें तीरंदाजी सिखाऊं पर हवा की जो गति के कारण तीर इधर उधर होगा वो ना सिखाऊं तो तुम्हारे निशाने कभी सही लगेंगे? तो तुम्हारा लक्ष्य भेदने का जो लक्ष्य है, लक्ष्य भेदने का लक्ष्य जो है उसमें जो मैंने तुम्हें ज्ञान दिया वो बाधा बनेगा क्योंकि मैंने तुम्हें अधूरा ज्ञान दिया है, ठीक है। तो इस तरह की चीजों को नकारात्मक कहते हैं। जो तुम सीखे हो उसके ही कारण जो तुम करना चाहते हो वो तुम ना कर पाओ। तुम जीवन भर सीखे हो कि माता पिता को सब कुछ धन दे देना है, परिवार का अच्छे से ध्यान रखना है, करना तुम क्या चाहते हो? दुनिया भ्रमण करना चाहते हो, तो उसमें वो जो चीज सीखे हो तुम संस्कार वो बाधा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इसे नकारात्मक स्थानांतरण बोला जाएगा।
इस तरह के एग्जाम्पल इंटरव्यू में बहुत यूज होंगे। जो नॉर्मल बहुविकल्पी में यूज होने हैं वो तो सिंपल होते हैं, वो तो तुम पढ़ के ही समझ जाओगे। इस तरह के एग्जाम्पल से समझना बहुत जरूरी है, वरना इंटरव्यू में बहुत दिक्कत आएगी इन सबके। अगला सकारात्मक हो गया, नकारात्मक हो गया, अब शून्य बचा। से अन्य जगह कुछ नहीं होगा, ठीक है। शून्य स्थानांतरण क्या होता है कि जब एक जगह जो सीखे हो उसको दूसरी जगह तुम कुछ भी यूज ना कर पाओ, दो चीजों का कोई संबंध ना हो, तो उसको शून्य स्थानांतरण कहा जाता है। जैसे तुम्हारी हैंड राइटिंग कैसी है, उस बात का तुम्हारी फोटो खींचने की क्षमता कैसी है, कैसी अच्छी फोटो खींच लेते हो, उन दोनों में आपस में कोई संबंध है? नहीं है। तुम्हारी हैंड राइटिंग कैसी है, उसका तुम्हारे गाड़ी चलाने से संबंध होता है? नहीं होता है। तो इस तरह की जो दो ज्ञान है इनमें आपस में कोई संबंध नहीं है, ये बात याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन जो सब लोग पूछते हैं इंटरव्यू में, जो सब लोग गलत करके आते हैं वो सुन लो। शून्य स्थानांतरण जैसा इस संसार में कुछ नहीं होता। इस दुनिया में जो भी होता है वो दूसरी चीज को इफेक्ट करता है, वो दूसरी चीज को इफेक्ट करता है। तो पूर्ण शून्य स्थानांतरण जैसी कोई चीज दुनिया में नहीं होती। जैसे हैंड राइटिंग खराब होने का अर्थ है कि आपकी जो सूक्ष्म कौशल की क्षमता है या फिर आपकी जो ध्यान लगाने की क्षमता है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो यह चीज गाड़ी चलाने में भी दिक्कत दे सकती है, क्या पता आपके हाथ सही से ना चलते हो, आपकी उंगली में दिक्कत हो जिस वजह से आपकी राइटिंग खराब आ रही हो, कई कारण हो सकते हैं। तो पूर्ण शून्य स्थानांतरण जैसा कुछ नहीं होता है। ओके, रिमेंबर दैट। अगली हेडिंग, चलो नकारात्मक सकारात्मक शून्य हो गया, आपकी प्रभाव कैसा पड़ रहा है। अब आओ क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज स्थानांतरण क्या होता है, जिस स्तर का ज्ञान हो एक क्षेत्र का ज्ञान, नोट करते चलना ठीक है, उसी स्तर के अन्य क्षेत्र में सहायता दे, अन्य क्षेत्र में प्रभाव डाले, सहायता नहीं दे। सकारात्मक नकारात्मक दोनों होते हैं, क्षेत्र में प्रभाव डाले, जरूरी नहीं कि सहायता ही दे। तो इस स्थानांतरण की सबसे जरूरी बात सुनो, जिस स्तर का है उसी स्तर पर रहेगा, और यह प्रभाव पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, शून्य नहीं हो सकता, पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। कक्षा आठ की गणित, आठ के विज्ञान में मदद करेगी, बिल्कुल करेगी। तो ये सकारात्मक क्षैतिज स्थानांतरण है या क्षैतिज सकारात्मक स्थानांतरण है, पॉजिटिव क्षैतिज स्थानांतरण है। ओके, अब नकारात्मक में क्या आएगा, क्षैतिज होना चाहिए और नकारात्मक होना चाहिए, क्या होगा? कला का ज्ञान है, जो क्रिएटिविटी, रचनात्मकता और इनोवेशन पे बेस होगा। किसी कक्षा में किसी की कला बहुत अच्छी है तो उसकी क्रिएटिविटी और इनोवेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, तो फिर उसका भूगोल बिगड़ सकता है।
क्योंकि भूगोल में क्रिएटिविटी और इनोवेशन का कोई खेल नहीं है। इसके लिए आपको एनालिसिस अच्छा होना चाहिए, आपका एनालिसिस और मेमोरी, इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। ये एक मैट्रिक्स होता है जिसे बुद्धि के सिद्धांत में पहले भी पढ़ा चुका हूं कि जिसमें एक चीज अच्छी होगी जनरली उसमें दूसरी चीज खराब भी मानी जाती है। इसीलिए जनरली जितना आर्टिस्ट होता है, तुम्हारे रैपर हैं, तुम्हारे जितने सिंगर हैं, ये सब फाइनेंशियली ब्रोक हो जाते हैं अगर ये बैंक वालों से बना के ना रखें। तो इस तरह के चीज को नकारात्मक क्षैतिज स्थानांतरण बोलेंगे। जब मैंने एक जगह जो सीखा है वो उसकी दूसरी जगह पे मुझे दिक्कत देने लगे। कोई फास्ट कार चलाना सीखा हो, कोई रेसर हो, रेस होती है ना कारों की, फार्मूला वन वगैरह, तो फास्ट गाड़ी चलाना सीखा है, ठीक है, अब उसको तुम फास्ट गाड़ी वाले को क्रेन में बिठा दो, दोनों ही चीजें ऑटोमोबाइल है लेकिन उसको क्रेन में बहुत दिक्कत आई क्योंकि क्रेन में उसको चाहिए माइन्यूट एडजस्टमेंट, धीरे धीरे आराम से काम करना है, तो वो उसको दिक्कत दे सकता है। इस चीज को हम नकारात्मक क्षैतिज बोलेंगे। अब क्षैतिज के बजाय ऊर्ध्वाधर समझो। पीडीएफ सब मिल जाएगी, बस सब्सक्राइब करे रहना। कोई भी डाउट हो, कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए हो तो कमेंट बोल देना और टेलीग्राम पे बोल देना। अब हो गया ऊर्ध्वाधर। जिस स्तर का एक क्षेत्र का ज्ञान हो उस उच्च स्तर के या तो उसी या फिर अन्य क्षेत्र में प्रभाव डाले। जिस स्तर का किसी क्षेत्र का ज्ञान हो वो उससे ऊपर के, नीचे की बात नहीं कर रहे हैं, नीचे की बात नहीं होगी, उच्च, केवल उच्च, निम्न स्तर नहीं, ऊर्ध्वाधर केवल ऊपर जाएगा। क्षैतिज दोनों दिशाओं में होता है, ऊर्ध्वाधर केवल ऊपर, ऊर्ध्वाधर नीचे नहीं होगा, केवल ऊपर होगा। जिस स्तर का एक क्षेत्र का ज्ञान है उससे ऊपर के स्तर के या तो उसी क्षेत्र पर प्रभाव डालेगा या अन्य क्षेत्र में प्रभाव डालेगा। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। ये कैसे होंगे पॉजिटिव नेगेटिव? आठ की गणित से नौ की गणित भी ठीक होगी, नौ का विज्ञान भी ठीक होगा। यह ऊर्ध्वाधर है, नौ की गणित से नौ का विज्ञान ठीक होगा, यह क्षैतिज हो जाएगा। तो यह चीज ध्यान रखनी है, ऊर्ध्वाधर पॉजिटिव ऐसे होगा, गणित उसी क्षेत्र में है, विज्ञान दूसरे क्षेत्र में हो जाएगा। अब आओ क्षैतिज ऊर्ध्वाधर नकारात्मक। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, छोटी कक्षा में तुमने ये लाइन पढ़ी होगी कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अब अगर प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तो ऐसा क्यों है कि कई बार एक ऐसा ही ऑब्जेक्ट है, ये धरती है, कई बार इसके बीच में कोई बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, तो प्रकाश अगर सीधी रेखा में चल रहा है तो यहां से रुक जाएगा और हम इसको नहीं देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे ना, ऑब्वियसली प्रकाश सीधी रेखा में चल रहा है। पर ऐसा क्यों होता है कि कई बार हम इसको भी देख लेते हैं? क्या प्रकाश यहां से सीधी रेखा में नहीं चला तो फिर कैसे देख लिए? जब तुम बड़ी कक्षाओं में पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे एस्ट्रोफिजिक्स में, भूमंडलीय ज्ञान में, सॉरी भूगंडलीय नहीं बोल रहा हूं, उसको क्या बोल, हिंदी में क्या बोलेंगे एस्ट्रोनॉमी को, खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान में जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि एक डार्क मैटर नाम की चीज होती है जो सब जगह पर पाई जाती है, जिसके जब प्रकाश चलता है तो कभी कभी मुड़ जाता है, जिससे जो किसी के पीछे रखी हुई वस्तु है वो भी दिख जाती है क्योंकि प्रकाश वहां से घूम गया। पर अगर तुम ये छोटे में पढ़े हो तो जैसे अभी तुम सुन रहे होगे इस चीज को, तो तुम्हें दिक्कत आई होगी समझने में। तो ये दिक्कत क्यों आई? क्योंकि ये जो ज्ञान है वो इसके उल्टा है, उससे अलग चल रहा है, तो आपको दिक्कत आ रही है। इसी चीज को हम ऊर्ध्वाधर
नकारात्मक स्थानांतरण बोलते हैं, जब हमें अपने पुराने नियमों को तोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। कई सारे एग्जाम्पल हैं, छोटे में तुम कुछ सीखे होगे, बड़े में तुमने कहा होगा अब हम ये नहीं करेंगे, तो वो ज्ञान छोड़ना पड़ा होगा छोटे वाला तुमको, ठीक है। तो उसी को ऊर्ध्वाधर नकारात्मक बोलेंगे कि अगर हम अब भी उसी चीज को करते रहते तो हमें दिक्कत आने लगती, ठीक है। धीमी गति से गाड़ी चलानी हो तो साइकिल चलाने का जो ज्ञान है वो पॉजिटिव हो जाएगा, पर तेज गति से अगर चलानी हो तो जो साइकिल का ज्ञान है वो शायद फेल कर जाए, ये भी दिमाग में रखना है। इस तरह के एग्जाम्पल दिमाग में रखने हैं, सस्ते सरल एग्जाम्पल तुमको प्रीवियस पेपर में मिल जाएंगे पर इंटरव्यू में फंस जाते हैं लोग। क्षैतिज हो गया, स्थानांतर ऊर्ध्वाधर हो गया, अब बचा है द्विपार्श्विक, लास्ट है, उसके बाद अगला लेक्चर आएगा वक्र और पठार पर। द्विपार्श्विक का संबंध शरीर से है, पहली चीज तो ये दिमाग में रखना, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, दिमाग से ज्यादा शरीर पे है। एक अंग का ज्ञान दूसरे अंग में चला जाना, जब हम शरीर के किसी एक अंग से कुछ सीखे हो और दूसरे अंग से, और जब वो काम ना करे तो दूसरे अंग से उसी चीज को करना द्विपार्श्विक स्थानांतरण होता है, ठीक है। जैसे कि बॉक्सर लोग कई होते हैं जो जैसे कोई बॉक्सर है, ठीक है, तो वो अपना लेफ्ट हुक अच्छे से मार रहा है, पर कुछ हो गया, लेट्स इमेजिन किसी फाइट में उसका लेफ्ट शोल्डर डैमेज हो गया, वो हाथ सही से चला नहीं पा रहा है, तो वो फिर ऐसे स्टांस बना के राइट हुक भी अच्छे से मार सकता है। एक तो ये एग्जांपल है, ये याद रखना, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत लोग याद रखते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, कोई तुमसे इंटरव्यू में या क्वेश्चन जो बहुविकल्पी आते हैं उसमें ये पूछ दे कि ऐसा होता कैसे है, ये जानकारी इस हाथ में गई कैसे, तो उसका ये होता है कि अंग का अनुभव, ठीक है, अंग का हमको अनुभव है, ठीक है, इस अंग के अनुभव को हमने दिमाग में अपने स्टोर कर रखा है। अंग का अनुभव अपने आप तो हो नहीं रहा ना कि मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं, नहीं, हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि कब करना है, दिमाग चला रहे हैं, जब उसके बाद ये हाथ काम नहीं करेगा तो मेरा दिमाग मुझे ही बताएगा कि अच्छा उस जब ऐसे थे तब ध्यान से ऐसे करते थे, तो अब तुम इससे भी ऐसे ही करने की कोशिश करो। तो यही दिमाग दूसरे अंग में को ज्ञान देता है, ठीक है। अंग का अनुभव दिमाग पे जाता है और दिमाग के दूसरे अंग को वो सिखाने का प्रयास करता है, इसे द्विपार्श्विक स्थानांतरण कहा जाता है। इस तरह से आज के अभी के लेक्चर में हमने अधिगम स्थानांतरण को समझा है, अगले लेक्चर में हम अधिगम वक्र और पठार को जानेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए, साउंड एक बार बता दीजिएगा कैसा आया। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।